सो गाइस आज मैं खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट, बट माइनक्राफ्ट के अंदर मेरे को मिल चुका है एक जरिया जहाँ से मैं जा सकता हूँ माइनक्राफ्ट के बिलियनर ओनली सर्वर में, जहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है, और उनसे अगर मैं पैसा लूँ और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ तो मैं भी वहाँ पे एक नंबर का अमीर आदमी बन जाऊँगा। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो एंड फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि आज के वीडियो का लाइक है मैं पूरे के पूरे 11,500 लाइक्स। तो यार आई होप इतने लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, फटाफट से लाइक कर दो यार एकदम अच्छे बच्चों की तरह। और हाँ, फेस कैम कर रहा हूँ तो लाइक तो बनता है ना। तो यार एक और नई सुबह और वापस से मेरे को काम पे लगना होगा। अरे यार विलेजर भाई का मैंने खेत बर्बाद कर दिया, वो मारने है, उससे पहले मैं चलो फटाफट से निकल जाता हूँ। और हाँ, मुझे सुनने में आया है कि यहाँ पे एक बिलियनर सर्वर का एंट्रेंस खुल चुका है, बट अगर तुम्हें वहां पे जाना है तो तुम्हें लगेंगे पूरे 1 मिलियन पैसे। यार अब 1 मिलियन डॉलर्स में कहाँ से लाऊंगा, मैं तो एक नंबर का गरीब बच्चा हूँ, मैं तो यहाँ के सारे खेत संभालता हूँ, मेरे पास तो क्या ही पैसा है। यार अगर मेरे को वो बिलियनर ओनली माइनक्राफ्ट SMP में जाना है तो मेरे को उसके लिए कुछ भी कुछ ना करके पैसों का जुगाड़ तो करना पड़ेगा। शिप तेरे को पता है मैं पैसों का जुगाड़ कैसे कर सकता हूँ? पता हो तो बता दे प्लीज यार, मेरे को पैसों की सख्त जरूरत है। अरे बता दे यार, हट, कोई भी काम की नहीं है तू। यार क्या करूं मैं, मेरे को पैसों की सख्त जरूरत है, मैं कैसे जाऊंगा बिलियनर ओनली सिटी में? लगता है हमारे गांव में एक नया बैंक खुला है, चलो वहां पे एक बार जाके देखते हैं हम लोग। ओके, ये वूल की मेरे को कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओ वो रहा बैंक, यार यहाँ पे तो नया बैंक खुला है, पर सुनने में आया है कि ये बैंक में ना सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं जिनके लॉकर हो, पर मैं तो गरीब हूँ, मेरा तो कोई भी लॉकर नहीं है। एक काम करते हैं, देखते हैं ये बैंक में मेरे को एंट्री मिलेगी कि नहीं। अरे भाई साहब बड़े हाईटेक दरवाजे लगे हैं यार यहाँ पे, चलो खोलते इसे। कीपैड, अच्छा लगता है इसमें मुझे पासवर्ड वगैरह डालना होगा। अरे यार मेरे पास तो कोई पासवर्ड ही नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा अंदर? लगता है ये पासवर्ड उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनको ये लॉकर्स मिलते हैं अंदर। अरे यार मेरा तो नसीब ही खराब है, छोड़ो भाई खेतीबाड़ी करनी पड़ेगी मुझे। यार कब तक मैं खेतीबाड़ी करता रहूंगा यार, मेरे को भी वो बिलियनर ओनली सर्वर में जाना है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे साथ। ओ वेट, मेरे को भी अभी सुनने में आया है कि यहाँ पे एक विलेजर है जिसके पास इसका कीपैड पड़ा है, यानी कि अगर बैंक से मैंने कुछ भी करके पैसे चुरा लिए तो मैं जा सकता हूँ बिलियनर ओनली सिटी में। तो यार अगर मेरे को वहाँ पे जाना है तो मेरे को ये बैंक से पैसे चुराने ही पड़ेंगे, जो कि बहुत डेयरिंग सा काम है यार। तो यार अगर मेरे को ये काम करना है तो लगता है उसके लिए मेरे को कीपैड चुराना पड़ेगा। यस गाइस, मेरे को उसके लिए की जो आईडी वगैरह जो भी है उसका, वो मेरे को चुराना पड़ेगा ताकि मेरे को उसके अंदर एंट्री मिल सके यार, वरना वो फोकट में मेरे को कौन ही एंट्री देगा। ओ यहाँ पे 2 मंजिल है, वेट लगता है यहाँ पे मेरे को वो कीपैड मिल सकता है। यहाँ पे है क्या कुछ? ओ वेट, यहाँ पे चेस्ट है। ओके, यहाँ पे एक पेपर है। ओ यस, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, शायद से यही उस अमीर का घर है। यार भाई देखने में लगता नहीं है कि इसके पास उसका कीपैड होगा, पर है यार। हाँ अमीर लोग ऐसा ही तो करते हैं, उनके पास जितना भी पैसा उसे छुपा के रखते हैं, तो मेरे को भी यही लगता है कि वो बंदा ना छुपा के रखता होगा, तो इसलिए उसने जो है कीपैड भी अपना छुपा के रखा एकदम ऊपर वाली चेस्ट में, ताकि कोई भी वहाँ तक ना पहुँच सके। और आपको तो पता ही है विलेजर्स कभी भी ऊपर वाली चेस्ट नहीं ले सकते। यार मेरे को लगता है ये गलत भी हो सकता है, एक बार कीपैड लगा के देखते, क्या पता लग जाए तो मैं सारी चीज़ें चुरा पाऊँ अंदर की। वेट, यहाँ से मेरे को कुछ गोल्ड ब्लॉक्स दिख रहे हैं अंदर, अगर वो मेरे को मिल गए मैं तो माला माल हो जाऊंगा यार। चलो इसका क्या था नंबर? 564203। ओके इसको डाल के देखते हैं, 564203। ओ खुल गया, यस 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 खुल गया। अच्छा आपसे जितने हो सके उतने गोल्ड के ब्लॉक चुरा लेता हूँ मैं, यहाँ पे सारे नहीं चुराऊंगा वरना ना पुलिस वालों को शक हो जाएगा। तो आजकल ना हमारे गांव में पुलिस भी बहुत टाइट हो चुकी है यार, चोरों को बड़े आसानी से पकड़ लेती है। ओके ओके काम करता हूँ, थोड़े से और चुरा लेता हूँ यार, लालच तो मेरे को भी है। ओके गाइस, हमने आराम से बैंक में चोरी कर ली, किसी को भी हाथों हाथ खबर नहीं लगी है। तो एक काम करता हूँ, किसी को शक ना जाए, एक काम करता हूँ फटाफट से सारे पैसे मैं उसके घर पे वापस रखवा देता हूँ, पर वापस से इसकी चश्मे डाल देता हूँ। ओके यार अब मेरे को नहीं लगता किसी को भी शक जाएगा यहाँ पे। अरे विज, अरे विलेजर तेरे को तो शक नहीं है ना मेरे पे? हाँ गुड बॉय। ओके तो ये रहा मेरे दोस्त का घर। अरे भाई कैसा है यार रामचंद? अरे यार इससे मेरे को पता करना पड़ेगा कि मेरे जो भी गोल्ड ब्लॉक से इसका मेरे को भाव क्या मिलेगा, तो चलो इससे थोड़ी देर बात करके देखते हैं। ओके तो यार अपने रामचंद भैया ने कहा कि इतने जो 10 ब्लॉक ऑफ गोल्ड है इसकी प्राइस है 1 मिलियन $10, यानी कि मेरे को जितने भी पैसे चाहिए उससे $10 ज्यादा है। अरे यार तो एक काम करता हूँ, इनके बदले मैं पैसे ले लेता हूँ फटाफट से इससे। भाई थोड़े से पैसे दे दे गोल्ड ब्लॉक्स के बदले।
अच्छा ये पैसे उठा लूं मैं? अरे थैंक यू रामचंद्र भाई। अरे इतने सारे पैसे, कितने हैं यार भाई? इतने सारे पैसे, एक स्टैक, दो स्टैक, तीन स्टैक, चार स्टैक, पांच स्टैक, छह स्टैक, चार, भाई टोटल 8 स्टैक पैसे आ गए मेरे पास। लिटरली पूरे 1,010,000 है मेरे पास। अरे यार अब तो मैं अमीर बन चुका हूँ, लगता है मेरे को चले जाना चाहिए बिलियनेयर ओनली वर्ल्ड में। अरे वाह यार, अब तो मैं जा सकता हूँ बिलियनेयर ओनली सर्वर पे। तो चलो सबसे पहले चलते हैं ऊपर, यहाँ से इसको मैं तोड़ देता हूँ। वेट, यहाँ पे गड्ढा है, ओ लगता है मेरे को इसके नीचे जंप करना होगा। अरे यार ट्रस्ट कर लूँ क्या? चलो कर ही लेते, इतनी मेहनत करिए तो। चलो ओके, ये क्या हो रहा है? मैं नीचे गिर रहा हूँ। अरे वाह बिल्डिंग्स, ओ भाई हेलीपैड, भाई इतनी लंबी बिल्डिंग। एक सेकंड में नीचे गिर रहा हूँ। ओके यार मैं फाइनली आ चुका हूँ बिलियनेयर ओनली सिटी में। और ये क्या, ये क्या वेलकम कार्ड? ओ मेरे को वेलकम कार्ड भी मिल चुका है। ओके बुक एंड क्विल भी है यहाँ पे। इसमें क्या लिखा हुआ है? वेलकम टू बिलियनेयर ओनली सर्वर, यू हैव ओनली $10,000 टू इन्वेस्ट एंड स्टार्टअप। ओके तो यार यहाँ पे हमारा स्वागत हो चुका है एंड हमें मिल चुके हैं $10,000। तो गाइज यहाँ पे हमारा, तो गाइज यहाँ पे हमारी एंट्री फाइनली हो चुकी है एंड हमको मिल चुका है $10,000 इन कैश। ओके तो चलो फटाफट से मैं खाना खा लेता हूँ, इन लोगों ने खाना भी प्रोवाइड किया है। तो यार यहाँ पे लिखा था एंड गेट योर स्टार्टअप, तो जहाँ तक मेरे को पता है जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ कोई भी बाइक वगैरह होता है वो $1,000-2,000 में यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरे को एक बाइक ले लेनी चाहिए ताकि जो है मैं पूरी बिलियनेयर सिटी एक्सप्लोर करूँ एंड कोई भी अभी छोटी सी दुकान लेके वहाँ पे अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दूँ, ताकि और उसके बाद जब भी मेरे पैसे बनेंगे मैं उसे शेयर मार्केट में फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग साइट में मैं जो है उसको इन्वेस्ट करूंगा ताकि वो पैसा डबल हो सके एंड उसके बाद हम खरीदेंगे बड़े बड़े घर एंड प्रॉपर्टीज। ओके तो यार कब से मैं इस बिलियनेयर ओनली सर्वर में भटके जा रहा हूँ बट अभी तक, ओ यस मेरे को फाइनली यार कार शोरूम मिल गया। भाई कितना भटका यार, तो फाइनली व्हीकल का शोरूम मिल चुका है। ओ यस यहाँ पे दो बाइक स्टॉक में है। ओ वेट यहाँ पे एक छोटी सी बाइक भी है, आई थिंक ये ज़्यादा सस्ती पड़ेगी अगर हम लेते हैं तो। यार ये बाइक मेरे को बहुत अच्छी लगी बट देखते हैं प्राइजेस क्या है इनके। लेट्स सी, मैं अंदर जाके पता करता हूँ। ओ यहाँ पे भाई इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ पड़ी है। अरे चलो ओनर का है यहाँ का। ओके तो ये रहे ओनर भाई साहब, इनसे बात करके देखते हैं। ओके तो यार मैंने ओनर भाई से यहाँ पे बात कर लिया और इनसे मैंने प्राइजेस भी डिस्कस कर लिया। आओ मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्राइस रेंजिंग है अभी हमारी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये वाली जो बाइक है ये डर्ट बाइक है एंड ये डर्ट बाइक की प्राइस अभी कुछ है अराउंड $2,500। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है पर ये कह रहे हैं चलने में बेस्ट क्वालिटी है, इसके टायर्स अच्छे आते हैं, फटेंगे नहीं जल्दी और इसका इंजन तो टॉप क्लास है। और ये वाली बाइक की मैंने प्राइस पता की, यार ये तो इतनी ज़्यादा सस्ती है कसम से, $1,000 की बाइक है ये। मतलब ये वाली बाइक किससे कसम से डबल है। तो मैं सोच रहा हूँ ये बाइक हम लेंगे जल्दी बट अभी के लिए मेरे को ये वाली बाइक लेनी चाहिए क्योंकि यार अभी मेरा फिलहाल को तो सहारा इससे हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपनी जो बाइक मैंने अभी फाइनल की उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। ओके तो मैंने ओनर से बात की, उसने कहा इस चेस्ट में ना एक जेरी कैन है उसको तुम यूज़ कर सकते हो और फिर तुम उसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। तो अभी उसमें फ्यूल नहीं है तो मेरे को थोड़ा सा फ्यूल भरना होगा इस जेरी कैन से एंड उसके बाद हम उस अपनी गाड़ी की जो है टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, आई मीन बाइक की। तो इसका पेट्रोल कहाँ पे भरना है? ओके फिल हो रहा है, फिल हो रहा है। चलो मेरा जो फ्यूल टैंक है वो धीरे धीरे यूज़ हो रहा है। लेट्स सी हो गया क्या? ओ भाई छोटी है पर कसम से बहुत स्पीड में चल रही है यार, इतने भी बुरी नहीं है ये, दिस इज़ नॉट बैड गाइज। बट एक बात है कि ये थोड़ा सा फ्यूल ज़्यादा लेगी मुकाबले उस वाले बाइक के, बट यार थोड़ा सा तो हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी अपना करना ही पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ फटाफट से मैं बाइक को पार्क कर लेता हूँ एंड जो है मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखवा लेता हूँ इस बाइक का कि ये मेरे को फाइनली चाहिए। So let's go and talk with villager. Okay, तो यहाँ पे मेरी रिसेप्शनिस्ट से बात हो गई है, वो कह रहे थे अभी ओनर गए हैं लंच ब्रेक के लिए बट मैंने लिखवा दिया अपनी इस बाइक का ऑर्डर एंड उन्होंने कहा कि ये वाली जो चेस्ट है यानी कि ये वाली जो फर्स्ट चेस्ट देख रहे हो उसमें मेरे को जमा करवाने होंगे $2,500 एंड अभी के अभी मैं उसको ले जा सकता हूँ। तो मैं फटाफट से अपने $2,500 जमा करवा देता हूँ। ओके तो मैंने जमा करवा दिए हैं एंड मेरे पास, ओ भाई साहब विंडोज़ का लैपटॉप है यहाँ पे, इसमें अडोब फोटो, भाई ये लोग लगता है बड़ी अच्छी कंपनी है यार, मतलब हमें बड़ी अच्छी कंपनी की बाइक मिली है। ओके तो यहाँ पे आ चुका है बैंक, तो एक काम करते अपने सबसे पहले अपने बैंक में अपने पैसे जमा करवा देते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं इतने सारे पैसे पॉकेट में लेके घूमूं और चोरी हो जाए बाद में। तो लेट्स गो यहाँ पे चलते हैं एंड बैंक, ये रहा।
ओ भाई लगता है बैंक पे आज कोई नहीं है, तो चलो मेरा काम है डिपॉजिट करना, मैं डिपॉजिट कर देता हूँ। ओके इतने सारे लॉकर्स हैं, मैं एक काम करता हूँ, रिसेप्शनिस्ट आएंगे तो बाद में उनसे मैं लॉकर अपना कंफर्म कर लेता हूँ। ओके तो यार यहाँ पे मैंने अपना लॉकर खुलवा दिया है एंड मेरा जो लॉकर है वो ये रहा। एंड ये कह रहे कि यहाँ पे साइन बोर्ड मार देंगे क्योंकि इनका नया नया बैंक है, तो सबसे पहला हमने खोला यहाँ पे लॉकर। ओके तो ये जो चेस्ट है इन्होंने लॉक वाली चेस्ट बना दी है, तो अब जो है ये वाली चेस्ट मेरे ही लॉक से खुलेगी। तो यहाँ पे मेरे को फटाफट से मेरा एक पासवर्ड सेव करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक कोड डाल देता हूँ जिसका मैं एकदम इजी डालूंगा, 89 और 8989। चलो 3 बार 8989 सेव कर देते हैं इसको, अब एक बार खोल के देखते हैं, 8989 89। ओके अपना चेस्ट खुल चुका है, तो यहाँ पे हम जो है लॉकर के अंदर अपने कुछ पैसे जमा कर देते हैं, और आधी रकम मैं मेरे पास नहीं, एक काम करता हूँ अपने पैसे 70% स्टोर कर देता हूँ और बाकी के परसेंट मैं अपने पास रखता हूँ। और ये बैंक अच्छा है, ये बैंक मुझे जो है 5% अपना इंटरेस्ट देगा, तो ये बैंक अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है, नया खुला है तो। ओके तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतने रखते हैं, एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हमने यहाँ पे आए अपना बिजनेस धीरे धीरे चालू करना बाकी है, बट अभी तक यहाँ पे मैंने नॉर्मल चीज़ें कर ली है जैसे बैंक खुलाना और एक छोटी सी बाइक लेना। सो लेट्स सी आगे हम क्या क्या करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।